नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाटा आईपीएल 2023 का मैच नंबर 11 जो कि खेला गया बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली कैपिटल्स। आज का मैच का जो वेन्यू रहा वो है असम क्रिकेट एसोसिएशन गुवाहाटी। ये राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है। आज ये दूसरा मैच है, 5 तारीख को एक मैच था, आज ये लास्ट मैच है गुवाहाटी में। आज का मैच में दिल्ली ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। राजस्थान रॉयल्स ने काफ़ी बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन किया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दोनों ओपनर काफ़ी अच्छा खेला। एसएसबी जयसवाल 60 रन 31 बॉल पर क्या लाजवाब बैटिंग किया। 11/4/16 और स्ट्राइक रेट इज ऑलमोस्ट 200, 193.55 का स्ट्राइक रेट से रन बनाया। जॉर्ज बटलर क्या शानदार बैटिंग किया, इनका भी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 150+ है। संजू सैमसन जो कि 0 पर आउट हुआ, जो कि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं, और सिमरन हेटमायर जो कि पिछले मैच में भी काफ़ी उमदा प्रदर्शन था इनका चेस करते हुए, आज भी नॉट आउट रहा। 39 रन बनाया 21 बॉल पर 185 का स्ट्राइक रेट से। काफ़ी अच्छा बैटिंग प्रदर्शन रहा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। और दिल्ली की तरफ से जो सबसे जो बेस्ट बॉलिंग जो रहा वो रहा कुलदीप यादव का, 4 ओवर 31 रन 1 विकेट। और दिल्ली कैपिटल्स, वाई दिल्ली कैपिटल लॉस्ट दिस गेम। दिल्ली कैपिटल का कैप्टन वार्नर, कैप्टनशिप उनका काफ़ी अच्छा है, बॉलिंग ठीक नहीं हो रहा है, टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, पिछले 2 मैच में भी फेल हुआ है, ये मैच में भी फेल हुआ है, ये टीम अब तक खाता ही नहीं खोल पाया। एक अकेला कैप्टन ही है जो ठीक तरीके से खेल रहा है। एक कैप्टन चलने से कोई मैच नहीं जीता जाता है, पूरा टीम का प्रदर्शन देखा जाता है। और दिल्ली की तरफ से जो सबसे बेस्ट जो बैटिंग रहा 65 डेविड वार्नर, हालांकि इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 55 बॉल पर। T20 में 118 का स्ट्राइक रेट से अगर कोई बल्लेबाज रन बना रहा है तो ऑलमोस्ट कोई कोई बैट्समैन का तो ODI में इससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। ललित यादव, इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, 38 रन बनाए इन्होंने 24 बॉल पर। और राजस्थान की तरफ से जो सबसे बेस्ट जो बॉलिंग रहा वो रहा संदीप शर्मा, जो कि 4 ओवर देकर 20 रन दिया, 1 विकेट लिया। हालांकि 4 ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने भी 21 रन दिया, 3 विकेट लिया, और ट्रेंट बोल्ट ने 1 ओवर मेडन डाला। T20 में मेडन ओवर डालना काफ़ी बड़ी बात होता है T20 में। और आज के मैच का जो मैन ऑफ द मैच रहा वो है यशस्वी जायसवाल, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा राजस्थान रॉयल्स का। और ये 57 रन से जीतना काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि नेट रन रेट बहुत ज़रूरी है टाटा आईपीएल का मैच पॉइंट जो लास्ट में जो होता है। नेट रन रेट से जो टीम जीतता है उनका टॉप फोर में रहना पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। ये काफ़ी अच्छा रन से जीता आज राजस्थान रॉयल्स ने, 57 रन का मार्जिन से दिल्ली को हराया। होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। शुक्रिया।